आर्थराइटिस की, है ना, कि रूमेटाइड आर्थराइटिस क्या है, क्रोनिक इंफ्लामेटरी डिजीज ऑफ अननोन एटियोलॉजी। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी एटियोलॉजी जो है वो अननोन होती है, मार्क बाय ये सिमेट्रिक पेरिफेरल पॉलीआर्थराइटिस अलोंग विद मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट। एटियोलॉजी क्या है इसकी? अननोन है, नहीं पता इसका काज क्या है एग्जैक्ट ना। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी जो है अपनी ही बॉडी के किसी खास ऑर्गन के खिलाफ जो है एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दे, तो उसको कहा जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में जो है जो एंटीबॉडीज बनती हैं उनको कहा जाता है ऑटो एंटीबॉडीज, क्योंकि ये किसी फॉरेन पार्टिकल से या एंटीजन के खिलाफ इनका नहीं लड़ना है, बल्कि ये क्या बॉडी के किसी खास पार्ट, किसी खास आर्गन पे ही इनका अटैक होता है इन एंटीबॉडीज का, इसलिए इनको कहा जाता है ऑटो एंटीबॉडीज। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर। अब यहाँ पे दो चीज होती है, देखिए दो डिजीज सबसे कॉमन है जब हम रूमेटिज्म की बात करते हैं, रूमेटिज्म की, तो उसमें एक तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, दूसरी ऑस्टियो आर्थराइटिस हो जाती है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में याद रखिएगा कि इन्फ्लामेटरी डिजीज है, ये क्या है, इन्फ्लामेशन होता है ना, इन्फ्लामेशन के जो भी साइन। और जो ऑस्टियो आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस वो क्या है, वो क्रोनिक डीजनरेटिव डिसऑर्डर है। ऑस्टियो आर्थराइटिस इज ए क्रोनिक डीजनरेटिव डिसऑर्डर, वहां पे जो साइन एंड सिम्टम्स हैं इन्फ्लामेशन के मिमिक तो करते हैं बट एक्चुअल में वहां पर प्रेजेंट नहीं होते, तो इसलिए वो कहा जाता है कि अलॉन्ग विद एज वियर एंड टियर जो बोन्स में होता है उसके नतीजे में जो आर्थराइटिस डेवलप होती है वो ऑस्टियो आर्थराइटिस है, क्रोनिक डीजनरेटिव डिसऑर्डर है वो। और रूमेटाइड आर्थराइटिस जो है वो इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इन्फ्लामेटरी है, अननोन एटियोलॉजी है। अब ठीक है ये होता है, इसमें जो रूमेटाइड आर्थराइटिस है इसका जो पीक एज है ऑनसेट का, जो पीक एज है इसका ऑनसेट का, ये जो डिजीज होती है इसका जो ऑनसेट है अराउंड 4th टू 5th डिकेड, एंड फीमेल्स आर मोर अफेक्टेड। फीमेल्स में ये डिजीज इन कंपैरिजन टू मेल 3:1 का रेशियो है, 3:1 का रेशियो, यानी 3 टाइम्स फीमेल्स में एंड 1 टाइम्स मेल्स में फीमेल्स को ज्यादा अफेक्ट होती है। और जो पीक एज है इसका वो 4th टू 5th डिकेड है इसका ऑनसेट इसका। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो रूमेटाइड आर्थराइटिस प्रोड्यूस करते हैं, कुछ जो ट्रिगर करते हैं, मतलब जिसको हम कहते हैं ट्रिगरिंग फैक्टर। ट्रिगरिंग फैक्टर में कुछ इन्फेक्शन है जो ट्रिगर करते हैं इस डिजीज को, इन्फेक्शन। अब इसमें एक बहुत कॉमन जो इन्फेक्शन है वो एफटीन बार वायरस ना, एफटीन बार वायरस, साइटोमेगालो वायरस, पार्वो वायरस, ये क्या, ये एज ए ट्रिगरिंग फैक्टर काम करते हैं। इनका इन्फेक्शन हुआ, एप्टेन बार वायरस का हुआ, साइटोमेगालो वायरस का हुआ, पार्वो वायरस का हुआ, या इवन इन सम केसेस रूबेला का भी अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो ये क्या करते हैं, इस डिजीज को ट्रिगर करते हैं। कैसे, अभी और कुछ चीजें और इसमें आती हैं लाइक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन में ये देखा गया कि जो रूमेटाइड आर्थराइटिस है इस डिजीज का इंसिडेंस जो है मोनोजाइगोटिक ट्विंस में ज्यादा इन कंपैरिजन टू जनरल पॉपुलेशन और डाइजाइगोटिक ट्विंस, तो इसका जो इंसिडेंस है वो हाइयर ज्यादा है किसमें, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में। ठीक है, हाइयर इंसिडेंस इन मोनोजाइगोटिक ट्विंस, इसके अलावा ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स तो है ही है। अब इसका जो मार्कर है, मार्कर की बात अक्सर पूछी जाती है, पैथोलॉजी में भी ये ज्यादा आता है, तो मार्कर ऑफ आरए क्या है, ह्यूमन ल्यूकोसाइटिक एंटीजन जो एचएलए से हम लोग शो करते हैं, आप कोई बताए, एचएलए डी आर 4, ठीक,
ये जो है मार्कर है किसका, रूमेटाइड आर्थराइटिस का। इसी तरीके से एचएलए B27 भी है अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस का। तो मार्कर ऑफ रूमेटाइड आर्थराइटिस क्या है, HLA-DR4। और बेसिकली ये जो है ना, ये अलील्स को डिटेक्ट करते हैं, ये जो HLA-DR4 है। अब ये अलील्स है, अब वो पूरे जेनेटिक कंपोजिशन पर नकल, ह्यूमन क्रोमोजोम जो ऑटोसोम्स हैं 22 पेयर्स, उसमें से क्रोमोजोम 6 और क्रोमोजोम 1 पे ये जो अलील्स होते हैं HLA-DRB1 अलील्स, उनको ये डिटेक्ट करते हैं। तो जो मार्कर है रूमेटाइड आर्थराइटिस का, दैट इज HLA-DR4। ठीक, कितनी चीजें हमें जाननी है इसमें, ये इसका थोड़ा सा ओवरव्यू था। अब इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ क्रोनिक इंफ्लामेटरी आर्थराइटिस एंड ऑफन रिजल्ट्स इन ज्वाइंट डैमेज एंड फिजिकल डिसेबिलिटी। ठीक, अब दो चीजें याद रखिएगा। पहली चीज ये है कि जो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस कौन सी होती है, मोस्ट कॉमन आर्थराइटिस, सिंपल। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे कॉमन आर्थराइटिस कौन सी होती है, दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक, पूरे वर्ल्ड में मोस्ट कॉमनली जो आर्थराइटिस पाई जाती है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। एंड सेकंड, अब यहीं पे कि मोस्ट कॉमन इंफ्लामेटरी आर्थराइटिस, अब मोस्ट कॉमन इंफ्लामेटरी आर्थराइटिस दैट इज रूमेटाइड आर्थराइटिस। मोस्ट कॉमन इंफ्लामेटरी आर्थराइटिस इज रूमेटाइड आर्थराइटिस। तो ये दो चीजें होगी। अब इसकी थोड़ी सी पैथोलॉजी देखिए, एक तो एक बात और खास बात ये कि जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, क्योंकि अननोन एटियोलॉजी है, बस कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ट्रिगर करते हैं, तो इनकी एटियोलॉजी कभी भी क्लियर कट नहीं हो सकती, क्योंकि जब काज ही नहीं पता है तो एटियोलॉजी कोई बताएगा कैसे। तो ऑलवेज जब इसमें डिस्कस करते हैं हम लोग, तो पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं, पैथोफिजियोलॉजी कि किस तरीके से इसका इफेक्ट होता है, एक वो जनरल व्यू उसका लिया जाता है। तो पहली चीज ये है कि क्या इसमें क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन उसके नतीजे में क्या होगा, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होता है अफेक्टेड साइट पे। ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन एंड इन द एंड क्या मिलेगा, एंड प्रोडक्ट ज्वाइंट डिस्ट्रक्शन। ज्वाइंट डिस्ट्रक्शन अब ये होता किस तरीके से ना, सबसे पहला चेंज जो होता है, ये तो हो गई इसकी पैथोलॉजी से जो स्टेप बाय स्टेप। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो रूमेटाइड आर्थराइटिस होती है, इट ऑलवेज अफेक्ट्स दोज जॉइंट्स विच हैव साइनोवियल मेम्ब्रेन। मतलब रूमेटाइड आर्थराइटिस कभी भी उन जॉइंट्स पे अटैक नहीं करेगी जहां पे साइनोवियल मेम्ब्रेन नहीं होगा, जो ये अफेक्ट करती है आरए। इट ऑलवेज अफेक्ट दोज जॉइंट्स विच हैव साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो जिन भी जॉइंट्स में साइनोवियल मेम्ब्रेन है, आप वहां पे कह सकते हैं कि रूमेटाइड आर्थराइटिस हो सकती है उन जॉइंट्स पे। लेकिन अब कहाँ कहाँ साइनोवियल मेम्ब्रेन नहीं होते, जो फाइब्रस जॉइंट्स हैं, खास तौर से जो एक्सिस पे जॉइंट है ह्यूमन बॉडी की, जो एक्सिस पे जितने भी जॉइंट्स हैं वहां पे साइनोवियल मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते। अगर आप देखें तो जो एक्सिस पे है, लाइक सिम्फाइसिस प्यूबिस है, वहां पे साइनोवियल मेम्ब्रेन नहीं है। इसी तरीके से मैनुब्रियो एक्सटर्नल जो जॉइंट है आपका, स्टर्नम का जॉइंट है ना, यहाँ पे नहीं है। और पूरी की पूरी जो स्पाइन है वहां पे क्या है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। लेकिन स्पाइन्स में जब भी हम बात करेंगे तो स्पाइन्स में एक जगह जो है आरए हो सकता है, और दैट इज सर्वाइकल स्पाइन है, C1 एंड C2। C1 एंड C2 ये कौन सा जॉइंट होता है, दिस इज एटलांटो एक्सियल जॉइंट। यहाँ पे क्या खास बात है इस जॉइंट की, एटलांटो एक्सियल जॉइंट जो है इनके बीच में कोई इंटरवर्टिब्रल डिस्क नहीं होती। यहाँ साइनोवियल मेम्ब्रेन पाया जाता है, साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है, जिसके नतीजे में पूरा रोटेशनल मोमेंट, आप जो अपना सर दाएं बाएं पूरा घुमाते हैं ना, वो इसी जॉइंट से होता है, C1 एंड C2 से। तो रोटेशनल मूवमेंट यहाँ पे पाया जाता है, इसलिए ये माना जाता है कि थ्योरेटिकली
अगर आरए हो सकता है कहीं भी पूरे स्पाइन में, तो वो C1 एंड C2 में आरए हो सकता है रोटेशनल मूवमेंट की वजह से, क्योंकि इंटरवर्टिब्रल डिस्क यहाँ पे है नहीं, साइनोवियल मेम्ब्रेन और साइनोवियल फ्लूइड यहाँ पे पाया जा रहा है, तो स्पाइन्स में बस ये, बाकी जो एक्सिस पे जितनी भी ज्वाइंट्स है वहां पे साइनोवियल फ्लूइड या साइनोवियल मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो इसलिए वहां पे आरए नहीं हो सकता। ठीक, ये चीज हो गई। अब होता कैसे, सबसे पहला चेंज जो आता है, सबसे पहला चेंज जो आता है, जो अफेक्टेड ज्वाइंट है उसके साइनोवियल मेम्ब्रेन में स्वेलिंग एंड कंजेशन। स्वेलिंग एंड कंजेशन इन साइनोवियल मेम्ब्रेन, दिस इज द फर्स्ट साइन। ठीक, ये तो हो गया कि जो अफेक्टेड ज्वाइंट है उसके साइनोवियल मेम्ब्रेन में स्वेलिंग होगी, कंजेशन होगा। उसके बाद जैसे ही स्वेलिंग होगी कंजेशन होगा, अब ये स्वेलिंग कंजेशन होती कैसे, जो अभी ट्रिगरिंग फैक्टर्स थे लाइक कोई वायरस, वायरल इन्फेक्शन था, या जेनेटिक प्रीडिस्पोजन, या इवन जो है स्मोकिंग, वो भी एज ए ट्रिगरिंग इफेक्ट काम करती है स्मोकिंग भी। तो जब ये चेंज शुरू हुआ, कंजेशन स्वेलिंग शुरू हुई, तो वहीं पे अब क्या होता है, अब लिम्फोसाइट्स आना शुरू करेंगे, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। लिम्फोसाइट्स आने लगे, मैक्रोफेजेस आने लगे, प्लाज्मा। लिम्फोसाइट्स में जो आते हैं ना CD4+ टी सेल्स आते हैं, जो हेल्पर टी सेल्स हैं वही आते हैं। तो अब ये ज्वाइंट साइनोवियल मेम्ब्रेन स्वेलिंग कंजेशन था, यानी इंफ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो जाहिर सी बात है इंफ्लामेटरी सेल्स वहां पे आएंगी, प्लाज्मा सेल्स है, मैक्रोफेजेस है, लिम्फोसाइट्स ही आ गए। अब ये जो लिम्फोसाइट्स है, मैक्रोफेजेस है, प्लाज्मा सेल्स है, ये क्या करती हैं, ये रिलीज करती हैं किसको, साइटोकाइंस को। ये किसको रिलीज कर रही हैं, साइटोकाइंस। अब ये जो साइटोकाइंस है ये क्या करते हैं, ये जो बी सेल्स होती है, बी सेल्स को ये स्टिमुलेट करते हैं। साइटोकाइंस क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं किसको, बी सेल्स को। और बी सेल्स के बारे में आपको पता होगा कि बी सेल्स क्या बनाती हैं, एंटीबॉडीज। यही जो बी सेल्स हैं इनका काम क्या है, टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। अब ठीक है, एंटीबॉडीज तो बना दी, लेकिन बाहर से तो कुछ आया नहीं, किसके खिलाफ लड़ना है, अब ये उसी ज्वाइंट पे ही अटैक करेंगी। अब ज्वाइंट पे अटैक करेंगी, जो एंटीबॉडीज बनती है, मेनली दो एंटीबॉडीज बनती है, एक तो रिमेटाइड फैक्टर बनता है, जिसको हम आर फैक्टर भी बोलते हैं, रिमेटाइड फैक्टर, एंड सेकेंड जो बनता है दैट इज एंटी साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड, एंटी-CCP। ये दो तरीके की जो है एंटीबॉडीज बनाते हैं बी सेल्स। कैसे बनाया, स्वेलिंग हुई, कंजेशन हुआ, ट्रिगरिंग फैक्टर्स मौजूद था, लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेज, प्लाज्मा सेल्स, ये क्या है, इंफ्लामेटरी सेल्स, ये वहां पर आई और इन्होंने साइटोकाइंस को रिलीज किया। साइटोकाइंस ने स्टिमुलेट किया बी सेल्स को कि भाई अब तुम प्रोलिफरेट हो, मल्टीप्लाई हो, और तुम्हें बनाना है क्या, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज उसने बना के रख दिया, आरए फैक्टर उसने बना दिया है, एंटी-CCP उसने बना दिया। अब ये इनका काम क्या है, कहीं ना कहीं तो लड़ना है इन्हें, किसी पे अटैक करना है, तो ये ज्वाइंट्स पे अटैक करती हैं, और ज्वाइंट पे जब ये अटैक करती हैं तो ज्वाइंट्स का डिस्ट्रक्शन होता है। ज्वाइंट्स का डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक, स्वेलिंग एंड कंजेशन हो गया, ये सब हो गया। अब जो साइनोवियम या साइनोवियल मेम्ब्रेन था उसका इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उससे क्या होगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन की क्या हो जाएगी, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। साइनोवियल मेम्ब्रेन की हाइपरट्रॉफी हो गई, साथ में जो होता है, जो ज्वाइंट स्पेस होते हैं, ज्वाइंट्स के बीच में जो स्पेस होते हैं, वहां पे जो है साइनोवियल फ्लूइड जो है उसका इफ्यूजन होने लगता है। इफ्यूजन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड इन ज्वाइंट स्पेस, है ना। तो अब जब ज्वाइंट स्पेस में साइनोवियल फ्लूइड आ गया, तो अब कहीं कोई स्पेस है, पोटेंशियल स्पेस था, उसके बीच में कोई फ्लूइड आने लगा, तो वहां पे क्या सबसे पहले चीज क्या चेंज आएगी, ज्वाइंट स्वेलिंग, इट रिजल्ट्स इन ज्वाइंट स्वेलिंग। ठीक,
तो ये थोड़ी सी इसकी पैथोफिजियोलॉजी थी, किस तरीके से जो है ये पूरा सिस्टम वर्क करता है आरए के डिजीज में। अब इसका क्लिनिकल फीचर्स हम देखेंगे, इसकी जो है क्लिनिकल फीचर्स आप देखिएगा। दो तीन चीजें बहुत कॉमन है। एक तो पहले डिजीज देखिए। अब मान लीजिए पोटेंशियल ज्वाइंट स्पेस था यहाँ पे, आप देखिए। अब जब साइनोवियल फ्लूइड का इफ्यूजन या ज्वाइंट स्पेस में होगा तो ज्वाइंट्स कैसी हो जाएंगे, स्वेल कर जाएंगे, ज्वाइंट पे स्वेलिंग हो जाएगी। ज्वाइंट स्वेल कर जाएंगी तो उनका मूवमेंट क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, मूवमेंट का रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, पेन की कंडीशन डेवलप हो जाएगी, और अल्टीमेटली जब क्रोनिक स्टेज रहेगी तो बाद में जो है बोनी डिफार्मिटी भी डेवलप हो जाती है। ठीक, तो अब इसका क्लिनिकल फीचर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जब हम बात करते हैं कि रूमेटाइड आर्थराइटिस जो है कॉमन किस में है, तो दैट इज मोर कॉमन इन फीमेल्स, है ना, मोर कॉमन इन फीमेल्स। पी के जिसकी क्या है, फोर्टी हाँ वही, फोर्थ टू फिफ्थ डिकेड। ऐसा नहीं है कि अब इसी एज में होती है, इससे कम एज में भी हो सकती है, इवन 20s में भी हमने देखा है आरए के पेशेंट आते हैं, है ना। दूसरी चीज ये है कि किसको ये अफेक्ट करती है रूमेटाइड आर्थराइटिस, कैन अफेक्ट एनी साइनोवियल ज्वाइंट, जहां पे साइनोवियल मेम्ब्रेन होगा उसी को ये अफेक्ट करेगी। और एक चीज ये कि ये मोनो आर्टिकुलर की हो सकती है, ओलिगो आर्टिकुलर एंड पॉली आर्टिकुलर। अब ये जो मोनो आर्टिकुलर मतलब सिंगल ज्वाइंट, ओलिगो होता है लेस देन 5 जॉइंट्स, एंड पॉली आर्टिकुलर मोर देन 5 जॉइंट्स को जब इन्वॉल्व करती है तो ये हो गया, इसका आंसर है ये, आइदर मोनो आर्टिकुलर, ओलिगो आर्टिकुलर और पॉली आर्टिकुलर। ठीक, मोर कॉमन इन फीमेल्स। अब इसका जो शुरुआत होती है डिजीज, जो क्लासिकली ये डिजीज स्टार्ट कहाँ से होती है, तो अगर हम बात करें जिस डिजीज ऑलमोस्ट ऑलवेज की बात मैं कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट ऑलवेज मतलब लगभग लगभग हमेशा, एग्जैक्ट पूरा फिक्स नहीं, ऑलमोस्ट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हैंड्स। अब हैंड्स से स्टार्ट हो रही है, तो हैंड्स की जो ज्वाइंट्स होती हैं, कौन कौन से ज्वाइंट्स मोस्ट कॉमनली इसमें इन्वॉल्व होती हैं, प्रॉक्सिमल इंटरफेलिंजियल ज्वाइंट्स, दैट इज पीआईपी। इसके अलावा मेटाकार्पोफेलिंजियल ज्वाइंट्स एंड मेटाटार्सोफेलिंजियल। अब अगर फीट की बात करें, फीट में जो है सबसे पहले जो ये डिजीज स्टार्ट होती है मेटाटार्सोफेलिंजियल ज्वाइंट पे। ठीक, अब इसमें कहानी ये है कि जो डिस्टल इंटरफेलिंजियल ज्वाइंट्स है, डिस्टल इंटरफेलिंजियल ज्वाइंट्स डीआईपी ज्वाइंट्स, दीज आर यूजुअली स्पेयर्ड। मतलब ये कि ये डिजीज जो है जो डिस्टल इंटरफेलिंजियल ज्वाइंट्स है वहां पे आमतौर से नहीं होती है, ये जो ज्वाइंट्स होते हैं ये बचे रह जाते हैं ना। डिस्टल इंटरफेलिंजियल ज्वाइंट्स आर यूजुअली स्पेयर्ड, बचे रह जाते हैं। क्लासिकली ये डिजीज जो स्टार्ट होती है आमतौर से हैंड्स से शुरू होती है, उसके जो स्मॉल ज्वाइंट्स होते हैं प्रॉक्सिमल इंटरफेलिंजियल ज्वाइंट्स, मेटाकार्पोफेलिंजियल ज्वाइंट्स एंड मेटाटार्सोफेलिंजियल ज्वाइंट्स इन फीट, अगर पैरों से शुरू हो रही है तो। अब जो इसके सबसे प्रीडोमिनेंट और स्ट्राइकिंग फीचर है पूरे रूमेटाइड आर्थराइटिस का, एक चीज पे याद रखना है, जो इसका सबसे स्ट्राइकिंग फीचर है, मॉर्निंग स्टिफनेस। मॉर्निंग स्टिफनेस, और ये जो मॉर्निंग स्टिफनेस होनी चाहिए शुड बी लॉन्गर देन 1 आवर, है ना। अब ये नहीं है कि 2 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, ये तो और कोई दूसरी, या वायरल, इवन वायरल आर्थराइटिस जो होती है उनके नतीजे में भी मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, लेकिन इसकी जो स्पेसिफिक होती है कि मॉर्निंग स्टिफनेस शुड बी मोर देन 1 आवर, 1 घंटा या उससे ज्यादा तक की मॉर्निंग स्टिफनेस। अब मॉर्निंग स्टिफनेस का मतलब क्या, रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, जो टू एंड फ्रो आसानी से जो हम काम कर रहे हैं तो उंगलियां पूरी तरीके से जो है वो जकड़ी हुई रहती है, कहते हैं ना जकड़न रहती है उसमें, तो वो काम करने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है मॉर्निंग स्टिफनेस से। और दूसरी चीज जो इसमें मिलेगी वो स्वेलिंग, इंफ्लामेटरी डिजीज है तो स्वेलिंग एंड रेडनेस इन इन्वॉल्व ज्वाइंट्स। स्वेलिंग एंड रेडनेस इन
इन्वॉल्व ज्वाइंट्स, ये चीजें हो गई। ये क्लिनिकली जो है इसका ये सबसे स्पेसिफिक चीज है कि ऑलमोस्ट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हैंड्स एंड इन सम केसेस फ्रॉम फीट्स। अब इसकी दूसरी जो खास बात ये है बाइलेटरल सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट। अब ये जो बाइलेटरल सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट है, हो सकता है इनिशियल स्टेजेस में शुरू के 4-5 महीने 6 महीने में बाइलेटरल सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट ना मिले, एक ही उंगली में सॉरी एक ही तरफ को ये आरे हो सकता है किसी एक हैंड में या फिर जो मेटाटार्सोफेलिजल ज्वाइंट हो वहां पे हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की डिजीज जैसे जैसे प्रोग्रेस करती है, बाद में ये जो सिम्टम पूरी तरीके से कॉमन हो जाता है वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल इन्वॉल्व, दोनों तरफ के हैंड्स या दोनों तरफ के फीट्स की जो स्मॉल ज्वाइंट्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। दो चीजें इसमें खास तौर से याद रखनी कि इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जो स्मॉल ज्वाइंट्स हैं, स्मॉल ज्वाइंट्स ऑफ हैंड्स, वहां से शुरू होती है और उसके बाद डिजीज प्रोग्रेस होने के बाद कई सालों के बाद 5 साल 10 साल के बाद जो बिगर ज्वाइंट्स हैं, जो बड़े ज्वाइंट्स हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन इनिशियली जो है यही PIP प्रॉक्सिमल इंटरफेलिंजियल या मेटाकार्पोफेलिंजियल ज्वाइंट्स है, रिस्ट की ज्वाइंट है, और उसके बाद कहीं जाके जब डिजीज प्रोग्रेस करती है क्रोनिक स्टेज बहुत उसमें, तब जाके जो बिगर ज्वाइंट्स हैं लाइक आपके अगर हम बात करें यहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट है या नी ज्वाइंट है, हिप ज्वाइंट है, तब जाके उनको इन्वॉल्व करती है। इनिशियल स्टेज में जो स्मॉलर ज्वाइंट्स हैं और स्पेसिफिक हो जाता है हैंड्स के लिए, अगर बाइलेटरल सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट विद मॉर्निंग स्टिफनेस लास्टिंग फॉर मोर देन 1 आवर, 1 घंटे से ज्यादा अगर मॉर्निंग स्टिफनेस है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट है, तो आप मान के चलिए कि आ रही है। और साथ में जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में या रिस्क फैक्टर में क्या चीज है, फीमेल प्रीडोमिनेंस, कोई फीमेल है 30 से 50 साल की एज ग्रुप की आ रही है आपके सामने और उसको ये सारी कंप्लेन है, तो सबसे पहले यही सोचना है रूमेटाइड आर्थराइटिस के बारे में हमने सोच लिया। ठीक, ये चीजें हो गई। अब इसी तरीके से जो पैर की बात थी कि वहां पे भी हो सकता है मॉर्निंग स्टिफनेस हो गई, बाद में क्या हो सकता है ज्वाइंट डिफार, जैसे जैसे डिजीज जो है वो प्रोग्रेस करती है ज्वाइंट डिफार्मिटीज भी होने लगती है। ये आर्टिकुलर मैनिफेस्ट, आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन में एक चीज और हमने बताया कि जो स्पाइंस होती है दे आर ऑलवेज स्पेयर्ड, स्पेसिफिक क्या है, सिर्फ और सिर्फ C1 और C2 में रूमेटाइड आर्थराइटिस हो सकती है क्योंकि वहां पे इंटरवर्टिब्रल डिस्क नहीं है, यानी वो जो जितने भी ज्वाइंट है सब फाइब्रस ज्वाइंट है, स्पाइंस के जो वर्टिब्रल ज्वाइंट है वो क्या है, वो फाइब्रस ज्वाइंट है। लेकिन जो C1 और C2 है वो वहां पे साइनोवियल फ्लूइड मौजूद है, साइनोवियल फ्लूइड की मौजूदगी में रोटेशनल मूवमेंट वहां पे होता है, इसलिए वहां पे रूमेटाइड आर्थराइटिस हो सकती है। ये तो हो गया ज्वाइंट से रिलेटेड। अब एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन भी कुछ होते हैं इसके, जो है एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन भी होते हैं। ये तो आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन था रूमेटाइड आर्थराइटिस का। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर में जैसे कुछ सिस्टमिक फीचर्स हैं, सिस्टमिक फीचर्स में एक चीज बहुत कॉमन, लो ग्रेड फीवर मिलेगा, लो ग्रेड फीवर, वेट लॉस, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम है। इसके अलावा मसल वेस्टिंग है। हाँ, स्किन पे एक खास चीज पाई जाती है जिसको हम कहते हैं रिमोटाइड नोड्यूल्स, और ये जो रिमोटाइड नोड्यूल्स होते हैं ये जो एक्सटेंसर सरफेस होता है, एक्सटेंसर सरफेस जो प्रेशर वाला एरिया होता है वहीं पे ज्यादा कॉमन होते हैं ये रूमेटाइड नोड्यूल। पेनलेस होते हैं, टू एंड फ्रो इनका मूवमेंट होता है, आसानी के साथ ये मूव कर जाते हैं, दीज आर रूमेटाइड नोड्यूल्स। अब यही रूमेटाइड नोड्यूल्स जो है, चलिए ये तो स्किन पे था, इंटरनल ऑर्गन्स में भी पाया जाता है, उसमें भी मोस्ट कॉमनली जो है लंग्स में पाए जाते हैं ये नोड्यूल्स, इंटरनल ऑर्गन्स में लंग्स में ये पाया जाता है रूमेटाइड नोड्यूल्स, बहुत कॉमन होता है। आईज में क्या होता है, आईज में ड्राइनेस बहुत कॉमन हो जाती है, आईज में ऐसे डिजीज में लाइक स्क्लेराइटिस है, एपी स्क्लेराइटिस है। इसके अलावा प्लूरल इफ्यूजन, बाइलेटरल प्लूरल इफ्यूजन होता है, अगर हुआ तो बाइलेटरल प्लूरल इफ्यूजन भी हो सकता है इसमें, लेकिन ये सब रेयर केसेस में होता है, बाइलेटरल प्लूरल इफ्यूजन भी हो सकता है इसमें। ये इसके फीचर्स थे ना। अब दो चीजें आपको और यहाँ पे देखनी है, जो अब डिफार्मिटी शुरू होगी, डिफार्मिटी पहले
पहली डिफार्मिटी क्या है? स्वान नेक डिफार्मिटी के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि स्वान नेक डिफार्मिटी कहाँ पे पाई जाती है। स्वान नेक डिफार्मिटी जो है रूमेटाइड आर्थराइटिस में पाई जाती है। इसमें जो होता है जो प्रॉक्सिमल इंटरफेलिंजियल ज्वाइंट्स है, ये वाले प्रॉक्सिमल इंटरफेलिंजियल ज्वाइंट्स, इसका हाइपर एक्सटेंशन होता है, बहुत ज्यादा जो है ये एक्सटेंड कर जाती है। साथ में जो डिस्टल इंटरफेलिंजियल ज्वाइंट है, ये वाला ज्वाइंट, ये DIP है, डिस्टल इंटरफेलिंजियल ज्वाइंट्स का क्या होता है, थोड़ा सा फ्लेक्सन, स्लाइट फ्लेक्सन होता है। अब मान लीजिए यहाँ से मैं बनाऊँ, तो ये जो होते कुछ जब हाइपर एक्सटेंशन होगा तो ज्वाइंट्स जो है वो थोड़े से नीचे की तरफ आएंगे। ये जो है ये हाइपर एक्सटेंशन फेज है। और इसके बाद जो है ये क्या है, ये PIP है ना, ये PIP है। तो अब देखिए ये जो इस तरीके से बन रहा है, इसको कहते हैं स्वान नेक डिफार्मिटी। यहाँ पे आप देखेंगे जो ये प्रॉक्सिमल इंटरफेलिंजियल ज्वाइंट से यहाँ पे हाइपर एक्सटेंशन होता है, और जो डिस्टल इंटरफेलिंजियल ज्वाइंट से यहाँ पे स्लाइटली फ्लेक्सन हो जाता है, थोड़ा सा इस हाइपर एक्सटेंशन के नतीजे में वहां पे फ्लेक्सन हो जाता है, उसके नतीजे में जो डिफार्मिटी डेवलप होती है उसको हम कहते हैं स्वान नेक डिफार्मिटी। और इसी का जस्ट अपोजिट अगर हम करेंगे तो उसको हम कहते हैं ब्यूटेनायर डिफार्मिटी। वहां पे जो होगा हाइपर एक्सटेंशन अब जो होगा वो डिस्टल इंटरफेलिंजियल ज्वाइंट्स पे होगा, और फ्लेक्सन जो होता है वो प्रॉक्सिमल इंटरफेलिंजियल ज्वाइंट्स पे। पहले इसको देख लीजिए, स्वान नेक डिफार्मिटी है ना। अब ये PIP है, PIP पे क्या हो गया, हाइपर एक्सटेंशन हो गया, और डिस्टल इंटरफेलिंजियल ज्वाइंट यहाँ पे जो है फ्लेक्सन यानी जो है बेंड हो गई यहाँ पे उंगली थोड़ी सी। तो ये जो डिफार्मिटी बन रही है दिस इज स्वान नेक डिफार्मिटी, एंड सेकेंड जो है फ्लेक्सन ऑफ प्रॉक्सिमल, इसी का जस्ट अपोजिट करिएगा ब्यूटेनायर डिफार्मिटी में, फ्लेक्सन ऑफ द प्रॉक्सिमल इंटरफेलिंजियल ज्वाइंट विद हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द DIP ज्वाइंट। अब डिस्टल इंटरफेलिंजियल ज्वाइंट्स का हाइपर एक्सटेंशन होगा और प्रॉक्सिमल इंटरफेलिंजियल ज्वाइंट्स का फ्लेक्सन होगा, उसके नतीजे में जो होगा वो ब्यूटेनायर डिफार्मिटी डेवलप होती है। जस्ट इसी का अपोजिट है यहाँ पे, आप देखिए। अब यहाँ पे जब भी आपको बोन जो है वो नीचे की तरफ जाती हुई दिखे अपने ज्वाइंट से, तो दैट मीन्स कि वो एक्सटेंशन वाला फेज है, एक्सटेंशन वाला फेज है। और ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो दैट इज फ्लेक्सन। तो जो PIP है, प्रॉक्सिमल इंटरफेलिंजियल ज्वाइंट्स है, यहाँ पे फ्लेक्सन हो रहा है, और DIP पे हाइपर एक्सटेंशन हो रहा है, इसके नतीजे में अब जो डिफार्मिटी डेवलप होगी दैट इज ब्यूटेनायर डिफार्मिटी, इसको कहते हैं ब्यूटेनायर। दो दो तरीके की ये डिफार्मिटीज बहुत कॉमनली एग्जाम में पूछी जाती है, दोनों के दोनों किस में मिल रही है, रूमेटाइड आर्थराइटिस में मिल रही है। अभी इसके बाद और भी कुछ एक डिफार्मिटीज हैं, अब यहाँ पे ये आपके सामने इसको देखिएगा, ये जो पूरा ये सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट जो रूमेटाइड आर्थराइटिस में होता है, क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, ठीक है, इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसी आरए के नतीजे में आपने पढ़ा होगा जब सर्जरी पढ़ रहे थे तो वहां पे दो तीन सिंड्रोम मिले होंगे आपको। सबसे पहले तो एक सिंड्रोम मिला होगा फेल्टीज सिंड्रोम, फेल्टीज सिंड्रोम ना, जब स्प्लीन वाला पार्ट आपने पढ़ा होगा तो वहां पे मिला। अब फेल्टीज सिंड्रोम तमाम के तमाम जो उसके फीचर्स कहाँ मिल रहे हैं, रूमेटाइड आर्थराइटिस के पेशेंट में, आरए के साथ साथ जो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन होते हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो उसको जो हम डिनोट करते हैं, बहुत आसान है याद करना, सेंटाफे पहली चीज। अब आपको जो यहाँ पे मिलेगी स्प्लिनोमेगैली, स्प्लेनोमेगेली ए से क्या मिलेगा, एनीमिया। देखिए यहाँ पे जो हिमाटोलॉजिकल में क्या एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज जो दिया गया ना, एनीमिया ऑफ क्रोनिक, ज्यादातर जो क्रोनिक डिजीजेज में जो एनीमिया होती है उनको एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जब हम जनरल ब्लड पिक्चर निकालते हैं ऐसे पेशेंट्स में एनीमिया के, तो उनके में जो है मॉर्फोलॉजी जो होती है वो नॉर्मल मिलती है, यानी नॉर्मोसेटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया को ही एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज कहा जाता है। तो एनीमिया मिल गई आपको, एन से क्या मिलेगा, न्यूट्रोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया टी से, थ्रोम्बोसाइट एंड ए से आर्थराइटिस, और वो जो आर्थराइटिस होगी वो कौन सी आर्थराइटिस है, रूमेटाइड आर्थराइटिस, ठीक। तो ये जो है फेल्टीज सिंड्रोम किसमें पाया जाता है, रूमेटाइड आर्थराइटिस, एक सिंड्रोम ये हो गया। सेकेंड सिंड्रोम जो है वो जोग्रेन सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं,
ये कौन सा सिंड्रोम है? जोग्रेन सिंड्रोम। अब इसमें दो तीन चीजें कॉमन है, दो तीन चीजें हैं। एक तो ड्राई आईज, ड्राई आईज, ड्राई माउथ एंड रिमेटाइड आर्थराइटिस, ना ये जो चीजें मिल रही हैं, जिसको ड्राई माउथ को जेरोस्टोमिया कहते हैं एंड ड्राई आईज को क्या कहते हैं, केराटो कंजंक्टिवाइटिस सिक्का। ठीक, तो ये जो सब सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन, उसी से एक एक सिंड्रोम बन रहा है ना, ड्राई आईज, ड्राई माउथ एंड रूमेटाइड आर्थराइटिस, दैट इज जोग्रेन सिंड्रोम। थर्ड सिंड्रोम जो मिलता है इसमें, कैपलन सिंड्रोम। कैपलन सिंड्रोम में क्या मिलेगा? एक तो रूमेटाइड आर्थराइटिस मिल रही है, ये तो कंफर्म है, इसको मिलना ही मिलना है। दूसरी चीज जो है ना, इसमें रूमेटाइड आर्थराइटिस नोड्यूल्स, यानी रूमेटाइड नोड्यूल्स मिलते हैं कहाँ पे? पल्मोनरी रूमेटाइड नोड्यूल्स लंग्स में मिलेंगे, लंग्स में। एलांग विथ ये कि ये जो कैपलन सिंड्रोम किस में होना चाहिए, निमोकोनियसिस का वो पेशेंट होना चाहिए, कोल माइनर्स वाली जो डिजीज होती है। कोल माइनर्स डिजीज, न्यूमोकोनियसिस, तो ये तीन चीजें जब प्रेजेंट होती है, दैट इज कैपलन सिंड्रोम। तो ये तीन सिंड्रोम जो है बहुत कॉमन है किसमें, रूमेटाइड आर्थराइटिस में, है ना, फेल्टी सिंड्रोम, जोग्रेन सिंड्रोम, कैपलन। अब अगर आप देखें तो इसमें जो सारे सिम्टम्स है यही सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आ जाते हैं। एनीमिया आप क्रोनिक डिजीज, एक चीज याद रखिएगा, जहां पे भी एनीमिया आप क्रोनिक डिजीज लेके आएगा वो हो जाती है नार्मोसिटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया। और इसको ना अगर जीबीपी ना भी कराएंगे हम, तो सिर्फ सिर्फ और सीबीसी से आप देख सकते हैं, वहां पे एमसीवी और एमसीएचसी को देखना होता है। एमसीवी नॉर्मल जो 78 to 100 होती है, उसी के बीच में अगर मिलेगा तो वो हो जाती है नार्मोसिटिक। और एमसीएचसी जो मेन कार्पस्कुलर हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है, वो अराउंड कुछ बुक्स में 28 है, कुछ बुक्स में 30 से भी शुरू होता है, और टोटल अप टू 36 तक वो नॉर्मल है, 28 to 36। अब इस बीच में है तो वो क्या हो जाएगा, वो नार्मोक्रोमिक हो जाएगा, नॉर्मल कलर का जो होगा। तो एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, स्प्लेनोमेगाली, न्यूट्रोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड रूमेटाइड आर्थराइटिस, ये क्या, ये फेल्टीज सिंड्रोम है। जोग्रेन सिंड्रोम, ड्राई आईज, ड्राई माउथ, रूमेटाइड आर्थराइटिस एंड कैपलन सिंड्रोम, रूमेटाइड आर्थराइटिस, रूमेटाइड नोड्यूल्स इन लंग्स एंड न्यूमोकोनियसिस, दैट इज कोल माइनर्स, ये सारी चीजें हैं, ये तीन सिंड्रोम होते हैं, सिंड्रोम्स हो गए, यही सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन है। इसके अलावा जो आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन थे वो आपको पता है। अब यहाँ पे एक डिफार्मिटी जो रह गई थी वो है जेड लाइन डिफार्मिटी। कौन सी डिफार्मिटी है ये? ये है जेड लाइन डिफार्मिटी। और जेड लाइन डिफार्मिटी जो होती है ये भी इसी में, स्वान नेक, ब्यूटिनायर एंड थर्ड जो है वो जेड लाइन डिफार्मिटी। अब इसमें जो इंटरफेलिंजियल ज्वाइंट है, इंटरफेलिंजियल ज्वाइंट का मतलब ये जो ज्वाइंट है, ये वाला, ये जो है इंटरफेलिंजियल ज्वाइंट, ये इंटरफेलिंजियल ज्वाइंट है, और ये पार्ट जो है ये मेटाकार्पोफेलिंजियल ज्वाइंट है ना, मेटाकार्पोफेलिंजियल ज्वाइंट। तो अब यहाँ पे आप देखिए, तो जो इंटरफेलिंजियल ज्वाइंट है उसको क्या हो रहा है, हाइपर एक्सटेंशन हो रहा है, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ इंटरफेलिंजियल ज्वाइंट्स एलॉन्ग विथ, अब साथ में देखिए फ्लेक्सन किसका हो रहा है, मेटाकार्पोफेलिंजियल ज्वाइंट्स का। फ्लेक्सन ऑफ मेटाकार्पोफेलिंजियल ज्वाइंट्स, अब एक का फ्लेक्सन हो रहा है, एक का हाइपर एक्सटेंशन हो रहा है। तो ये जो फर्स्ट मेटाकार्पल है, ये बोन, ये जो है ये फर्स्ट मेटाकार्पल है, फर्स्ट मेटाकार्पल, ये इसका क्या होता है, इसका बहुत ज्यादा एडक्शन हो जाता है। एडक्शन का मतलब अंदर की तरफ फैल जाए, तो उसके नतीजे में जो ये डिफार्मिटी होती है, दैट इज जेड लाइन डिफार्मिटी इसको कहते हैं, है ना। तो ये भी लिख लीजिए,
एग्जेजरेटेड एडेप्शन ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल। तो जेड लाइन डिफार्मिटी में क्या मिला? हाइपर एक्सटेंशन ऑफ इंटरफेलिंजियल ज्वाइंट, फ्लेक्शन ऑफ मेटाकार्पोफेलिंजियल ज्वाइंट एंड एग्जेजरेटेड एडेप्शन ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल। तो तीन तरीके की डिफार्मिटीज जो है वो रूमेटाइड आर्थराइटिस में बहुत कॉमन है, स्वान नेक डिफार्मिटी, ब्यूटेनाइल डिफार्मिटी एंड जेड लाइन डिफार्मिटी। इसके अलावा तीन ही सिंड्रोम है यहाँ पे, फेल्टीज सिंड्रोम, जोग्रेन सिंड्रोम एंड कैपलन सिंड्रोम। ये चीज होगी। अब एक चीज, अगर मान लीजिए सपोज दैट एडवांस स्टेज में ये डिजीज थी और इस डिजीज ने बाद में छोटे ज्वाइंट्स के बाद जब बिगर ज्वाइंट्स को अटैक करना शुरू किया, उसमें नी ज्वाइंट को इसने अटैक कर दिया, नी ज्वाइंट को। तो नी ज्वाइंट को जब अटैक करती है तो अब जाहिर सी बात है कि वहां पे न्यूट्रोफिल्स और दूसरे मोनोसाइट्स वगैरह आएंगे, मैक्रोफेजेस आएंगे, वो साइटोकाइंस रिलीज करेंगे, वो पूरा प्रोसेस चलेगा। तो उस प्रोसेस के नतीजे में क्या होता है, जो वो साइनोवियल मेम्ब्रेन है ना, साइनोवियल मेम्ब्रेन, वहां से साइनोवियल प्लेट का इफ्यूजन होना शुरू हो जाता है। नी ज्वाइंट की बात कर रहा हूँ, तो नी ज्वाइंट में अगर आप देखें, सपोज दैट ये जो ज्वाइंट है आपका, ये नी ज्वाइंट है, नी ज्वाइंट है। तो यहाँ पे जब साइनोवियल फ्लूइड का इफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा, तो अब सामने की तरफ एंटीरियरली कोई ऐसा पोटेंशियल स्पेस है जहां पे वो जो फ्लूइड का इफ्यूजन हो रहा है वो कहीं पे जाके कलेक्ट हो, नहीं है। तो यहाँ पे नी ज्वाइंट में पोटेंशियल स्पेस मिलेगा पीछे की साइड, बैक पे, और वो कौन सा स्पेस होगा? पॉपलिटियल फोसा, पॉपलिटियल फोसा। यहाँ पे ये पोटेंशियल स्पेस है जो इफ्यूजन हो रहा है साइनोवियल फ्लूइड का, वो वहां पे जाके उसको जमा हो जाना है। तो जब वो पॉपलिटियल फोसा में साइनोवियल फ्लूइड जमा हो जाए तो वहां पे एक सिस्ट बन जाती है, वहां पे एक सिस्ट बन जाती है जो टच करने पे मतलब मूव भी करती है। तो उस सिस्ट को कहते हैं हम पॉपलिटियल सिस्ट या बेकर सिस्ट। बेकर सिस्ट या पॉपलिटियल सिस्ट। देखिए क्वेश्चन में मैकेनिज्म नहीं पूछेगा कि कैसे बेकर सिस्ट बनती है, यही पूछ लेगा कि बेकर सिस्ट किसमें पाई जाती है। तो एटलीस्ट ये याद रखिए, बेकर सिस्ट कहाँ किसमें पाई जा रही है? रूमेटाइड आर्थराइटिस के केस में, या ये जो सिंड्रोम्स होते हैं इनके बारे में कि सिंड्रोम में क्या क्या है, कौन सा एक नहीं है, इसी तरीके से चीजें पूछी जाती है ना। तो बेकर सिस्ट किसमें मिल रही है? रूमेटाइड आर्थराइटिस के पेशेंट में मिल रही है। जेड लाइन डिफार्मिटी रूमेटाइड आर्थराइटिस के पेशेंट में मिले, इसी तरीके से स्वान नेक एंड ब्यूटेनाइड डिफार्मिटी भी है। अब आगे बढ़ते हैं, इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या कराएंगे आप इसे? इन्वेस्टिगेशंस इन्वेस्टिगेशंस इसमें क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहली चीज जो हम लोग कराते हैं वो सीबीसी। सीबीसी में हमें क्या क्या मिलेगा? न्यूट्रोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। ये चीजें मिल गई, सीबीसी हमने करा लिया। इसके बाद दो चीजें जो एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स होते हैं, सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन एंड ईएसआर, दोनों के दोनों क्या मिलेंगे? रेज्ड। सीआरपी एंड ईएसआर आर रेज्ड। इसके अलावा जो इसका स्पेसिफिक हो जाता है वो हो जाता है एंटी सीसीपी, एंटी साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड। एंटी सीसीपी ये भी पॉजिटिव, और ये जो एंटी सीसीपी है मोर स्पेसिफिक देन आर ए फैक्टर। यहाँ पे एक जो ये बन जाएगा ये आर ए फैक्टर, ठीक। अब आर ए फैक्टर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आ सकता है, एंटी सीसीपी भी पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों आ सकती है, तो इस पे नहीं जाना है। आर ए फैक्टर अगर पॉजिटिव है तो ये जो है ना, ये डिजीज की डायग्नोसिस से ज्यादा ज्यादा जो है ये प्रोग्नोसिस को बताता है, यानी डिजीज का आउटकम क्या होगा। और अगर किसी पेशेंट में आर ए फैक्टर पॉजिटिव आ रहा है तो उसकी प्रोग्नोसिस जो है वो बहुत बैड मानी जाती है, दैट मीन्स कि डिफार्मिटीज जल्दी होंगी
और जो हम डीएमआरडीज यूज करेंगे उसका उतना ज्यादा इफेक्ट भी नहीं आएगा। यानी ये जो है सिर्फ प्रोग्नोसिस या आउटकम को बताने के लिए आरए फैक्टर जो है वो उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। हाँ, फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज एंटी सीसीपी मोर स्पेसिफिक देन आरए फैक्टर। अब ये जो आरए फैक्टर है तो इवन 4% नॉर्मल इंडिविजुअल्स में भी ये आरए फैक्टर पाया जाता है, और कुछ क्रोनिक डिजीजेज और हैं जिनमें आर ए फैक्टर पॉजिटिव हो सकता है, लाइक कहीं पे कोई कार्सिनोमा है एलिमेंट्री ट्रैक्ट का, या जोग्रेन सिंड्रोम की अभी हम बात कर रहे थे, फेल्टी सिंड्रोम की बात कर रहे थे, या उसके अलावा भी और बहुत सारी इलनेस है जिसमें आर ए फैक्टर जो है पॉजिटिव मिलता है, आर ए फैक्टर पॉजिटिव मिलता है। इवन 4% नॉर्मल इंडिविजुअल्स में भी आर ए फैक्टर पॉजिटिव मिलता है। तो आर ए फैक्टर जो एज ए डायग्नोस्टिक मेजर जो है ये यूज नहीं किया जाता, बल्कि प्रोग्नोसिस के लिए किसी पेशेंट में जिसको हम मान के चल रहे हैं कि इसको रूमेटाइड आर्थराइटिस है, और उसमें अगर आर ए फैक्टर पॉजिटिव आ रहा है तो हम ये मान के चलते हैं कि इसकी जो प्रोग्नोसिस होगी वो बहुत वर्स है, खराब प्रोग्नोसिस होगी, आउटकम जो है वो बहुत खराब इसका निकलना है ना। तो आर ए फैक्टर एंटी सीसीटी करा लिया। अब वो कुछ केसेस में जो है साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस भी करा ली जाती है। साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस, अभी जब हम फ्लूइड की बात कर रहे थे शुरू में जब हमने पैथोलॉजी की बात की थी, तो जो ट्रिगरिंग फैक्टर थे उसके बाद वहां पे साइनोवियल मेम्ब्रेन पे जब इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग होती है तो कौन से वो जो होते हैं इन्फ्लामेटरी मार्कर्स जो वहां पे आते हैं पहले, यही आते हैं न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजेस, है ना, यही सब तो आ रहे हैं वहां पे। तो साइनोवियल फ्लूइड में जो होता है ये न्यूट्रोफिल प्रीडोमिनेंट होता है। ये जो साइनोवियल फ्लूइड होगा रूमेटाइड आर्थराइटिस के पेशेंट में, इसमें न्यूट्रोफिल काउंट्स बहुत ज्यादा होंगे। न्यूट्रोफिल्स जो होंगे वो बहुत ज्यादा होते हैं, और ओवरऑल जो WBC मिलती है व्हाइट ब्लड सेल्स जो मिलते हैं इसमें वो करीब करीब 5,000 से लेके 20,000 पर क्यूबिक एमएम के बीच में होते हैं, और इसमें ज्यादातर जो होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं। अब इसके बाद अगर ज्वाइंट डिफॉर्मिटी को देखना है तो जो इन्वॉल्व ज्वाइंट्स हैं उनके एक्सरे करा लिए जाएंगे, है ना, उनके एक्सरे लास्ट में वो भी एक है कि हाँ कितनी डिफॉर्मिटी हुई या कितना बोनी इरोजन हो गया या कितना डिस्ट्रक्शन हो गया, ज्वाइंट स्पेस कितने, उसको देखने के लिए लास्ट में एक्सरे भी करा लेते हैं जिसके इन्वेस्टिगेशन से। अब देखिए कुछ कॉम्प्लिकेशन जो डेवलप होते हैं, सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन क्या है, अल्नर डेविएशन या अल्नर ड्रिफ्ट, अल्नर डेविएशन या अल्नर ड्रिफ्ट। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशन है रूमेटाइड आर्थराइटिस का। जब रिस्ट पे स्वेलिंग होती है, इन्फ्लामेशन डेवलप हो गया, वहां पे भी क्या है कि ज्वाइंट स्पेस धीरे धीरे कम हो रहा है तो डिफार्मिटी होना शुरू हो जाती है। तो जो अल्नर नर्व जब कंप्रेस करती है, अल्नर नर्व का जब कंप्रेशन होता है तो जितने भी ये डिजिट्स हैं इनिशियली, ये जो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं खास तौर से, ये जो है थंब से बहुत दूर चले जाते हैं। नॉर्मल पोजिशन जो थंब की है ये एग्जैक्ट ये नॉर्मल पोजिशन है थंब की, इससे ये क्या करते हैं इनका मूवमेंट जो होता है वो अगेंस्ट द थंब हो जाता है जब अल्नर नर्व जो है वो डिस्टर्ब होती है, तो उसी को कहा जाता है अल्नर डेविएशन या अल्नर ड्रिफ्ट। किसमें पाई जाए, रूमेटाइड आर्थराइटिस में, या इवन जो है ना और बहुत सारी कंडीशन है जहां पे भी रिस्ट का इन्वॉल्वमेंट होगा या रिस्ट में हाइपरट्रॉफी या बोनी डिस्ट्रक्शन होगा तो वहां और भी पाई जाए अलॉन्ग विद रूमेटाइड आर्थराइटिस, इसमें भी पाई जाती है। अब यहाँ पे ये देखिए ये दो ये नोड्यूल्स जिनकी मैं बात कर रहा था, जो रूमेटाइड नोड्यूल्स है स्किन पे, ये भी डेवलप हो जाते हैं, बोनी प्रोमिनेंस पे होते हैं और नॉन टेंडर होते हैं, इजली मूव करते हैं, टच करने पे ये मूवेबल होते हैं। और अब देखिए कार्पल टनल सिंड्रोम, अब कार्पल टनल का मतलब जो कार्पल टनल है जहाँ पे आपका ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो फ्लेक्सर रेटिनाक्युलम होता है ना, उसी के बीच से क्या निकलती है मीडियन नर्व। अब मीडियन नर्व का जब कंप्रेशन होगा, अगर रिस्ट इन्वॉल्व होगी रूमेटाइड आर्थराइटिस में तो वहां पे स्वेलिंग होगी है ना, ज्वाइंट डिफॉर्मिटी हो सकती है, मूवमेंट का रिस्ट्रिक्शन होगा, तो जो पोटेंशियल स्पेस है कार्पल टनल का वो भी कंप्रेस होगा, तो उसके बीच से क्या निकल रही है मीडियन नर्व निकल रही है। तो मीडियन नर्व जब कंप्रेस करेगी तो मीडियन नर्व कंप्रेस होने के नतीजे में यही कार्पल टनल सिंड्रोम डेवलप होता है। अब ये जो ग्रीन एरिया है ये क्या बता रहा है, ये मीडियन नर्व की सप्लाई बता रहा है आपको,
और तो जहां पे जब ये मीडिया अंदर का कंप्रेशन शुरू होगा तो जितना भी सप्लाई एरिया वो अफेक्ट करेगा, और वहां पे यूजुअली जो पहला सिम्टम डेवलप होता है वो नंबनेस एंड टिंगलिंग का होता है। नंबनेस एंड टिंगलिंग ये जो है ये सिम्टम्स हैं जो सबसे पहले डेवलप होते हैं अगर कार्पल टनल सिंड्रोम डेवलप हो रहा है। अब बहुत सारे जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है उसमें भी कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, तो ये क्या, ये सब कॉम्प्लिकेशन है। और सारी डिजीज में भी हो सकता है, अलॉन्ग विथ रूमेटाइड आर्थराइटिस में भी, इवन डायबिटीज मेलिटस है उसमें भी कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। कहने का मतलब ये कि जब कार्पल टनल में जहां से रूमेटाइड सॉरी जहां से मीडियन नर्व गुजर रहे उस पर अगर कंप्रेशन होगा तो ये फीचर्स नंबनेस और टिंगलिंग जो अफेक्टेड पार्ट है या जो सप्लाई का एरिया मीडियन नर्व का वहां पे डेवलप होगी। तो ये सब क्या है, ये इसके कॉम्प्लिकेशन थे। अब इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे, डायग्नोसिस तो डायग्नोसिस के लिए देखिए अमेरिकन कॉलेज ऑफ रूमेटोलॉजी ना, अलग अलग जगह के बहुत सारे जो है वो होते हैं बड़े बड़े, जैसे कहते हैं ना कि एक टीम होती है, एक्सपर्ट्स की जो क्राइटेरिया सेट करते हैं। तो अमेरिकन कॉलेज ऑफ रूमेटोलॉजी नाम में जाहिर है कि ये रूमेटोलॉजी से रिलेटेड है। तो जब रूमेटोलॉजी से रिलेटेड है तो अब इन्होंने कुछ क्राइटेरिया दिया, इन्होंने क्या दिया, कुछ क्राइटेरिया दिया, तो उसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है वो डायग्नोसिस बनेगी। ये अमेरिकन कॉलेज ऑफ रूमेटोलॉजी है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ रूमेटोलॉजी इन्होंने कुछ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया दिया। अब इसमें जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट, सीरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, जो साइनोवाइटिस एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन का जो इन्फ्लामेशन है उसकी ड्यूरेशन, और एक्यूट फेज रिएक्टेंस, इसके मुताबिक इन्होंने दिया। अब अगर कोई मीडियम या लार्ज ज्वाइंट इन्वॉल्व हो रहा है एक, तो उसके लिए 0 पॉइंट है ना, 2 to 10 मीडियम या लार्ज ज्वाइंट्स 1 है, सबसे ज्यादा पॉइंट जो है वो 5 है, किसके लिए, मोर देन 10 ज्वाइंट्स एटलीस्ट उसमें से एक स्मॉल ज्वाइंट अगर इन्वॉल्व हो रहा है। तो उसी के तरीके से ये कि अगर रूमेटाइड फैक्टर या ACPA पॉजिटिव नहीं है, दोनों में से कोई भी पॉजिटिव 0, एक कोई टेस्ट जो है पॉजिटिव लेकिन टाइट्रेशन क्या है, लोअर टाइट्रेशन है, और हाईर टाइट्रेशन में भी अगर कोई पॉजिटिव है तो उसके अकॉर्डिंग जो है नंबरिंग की गई। तो टोटल जो है इसके मुताबिक जो नंबरिंग की गई, ये कहा गया कि अगर जो स्कोर है, स्कोर अगर मोर देन 6 था, स्कोर टोटल जो है इन चारों सेट्स को मिला के मोर देन 6 का स्कोर आ रहा है तो दैट इज डेफिनेट डायग्नोसिस हो जाएगी। डेफिनेट आर ए डायग्नोसिस, ठीक, ये चीज हो गई। अगर लेस देन 6 का स्कोर आ रहा है तो फिर पेशेंट को फॉलोअप में रखना है, क्लिनिकली आप डायग्नोसिस और बनानी है। हो सकता है जिसको हम कहते हैं सीरो नेगेटिव रिमेटाइड आर्थराइटिस, जिसमें ये जो सीरोलॉजिकल टेस्ट हैं ये सब के सब जो है वो नेगेटिव आते हैं, अलॉन्ग विद ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट हम देख लेते हैं और साथ में जो है ड्यूरेशन, उसी के अकॉर्डिंग जो है डायग्नोसिस हम बना लेते हैं। तो ये जो है ये पूरे डायग्नोसिस हो गई ना, डायग्नोसिस इस तरीके से बन गई। दूसरी चीज बोन इन्वॉल्वमेंट में ऑलवेज रिमेम्बर, अब दो तीन चीजें खास तौर से याद रखिएगा, अगर कोई पेशेंट जो है वो कंप्लेन जो कर रहा है, मतलब सबसे पहले उसने कहा कि उसके जो ये पेन है या जो स्वेलिंग है वो लार्जर ज्वाइंट से शुरू हो रही है, जो वेट बियरिंग ज्वाइंट्स होते हैं, कौन से ज्वाइंट्स, वेट बियरिंग ज्वाइंट्स जो होते हैं, तो उनसे अगर शुरू हो रही है दैट मीन्स कि वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस है। और अगर स्मॉलर ज्वाइंट्स हैं, थोड़ा सा एक मिनट आप लोग प्लीज, एक मिनट के लिए रुकिए, मैं क्लास ले रहा हूँ, अभी थोड़ा सा इंतजार करें। 5 मिनट, हाँ ठीक, बस। ठीक है, इसमें जो दो तो तीन चीजें हम लोग जो देखते हैं, एक तो ये है कि अगर वेट बियरिंग ज्वाइंट पहले इन्वॉल्व हो रहा है, शुरू में वेट बियरिंग ज्वाइंट अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो वो जो हो जाती है ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है। स्मॉलर ज्वाइंट्स विद मॉर्निंग स्टिफनेस लास्टिंग फॉर मोर देन 1 आवर, ये जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में होता है रूमेटाइड आर्थराइटिस के। और अगर कोई ये बता रहा है कि इनिशियली सबसे पहले जो है उसको जो ये बोन पेन स्टार्ट हुआ वो कहाँ से शुरू हो रहा है, पैरों से, और पैरों में भी कौन सा ज्वाइंट यूज हो रहा है, जो ग्रेटर टू है, जो ग्रेटर टू है वहां से अगर किसी को पेन स्टार्ट हो रहा है तो दैट मीन्स वो क्या हो सकता है, गाउटी आर्थराइटिस उसको हो सकती है।
अब इसी के साथ साथ ये भी याद रखना है कि जो मोस्ट कॉमन आर्थराइटिस है वर्ल्ड वाइड वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, और सेकंड जो है अगर कोई ये पूछे कि इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस सबसे कॉमन कौन सी है तो वो रिमेटाइड आर्थराइटिस होती है ना। मोस्ट कॉमन इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस क्या है? रिमेटाइड आर्थराइटिस है। अब इसका ट्रीटमेंट देखिए, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट कुछ खास नहीं है, बस उसके नाम याद रख लेंगे तो बहुत है। इसको चार तरीके से डिवाइड किया। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो इसका होता है वो एनाल्जेसिक है। फर्स्ट लाइन जो इसका ट्रीटमेंट है वो है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक में जो एनाल्जेसिक में ज्यादातर एनाल्जेसिक के बारे में आपने पढ़ा होगा, वो एंटी इंफ्लामेटरी भी होती है साथ में, तो उसका दोनों तरीके से उसका फायदा होता है। तो और जो स्पेसिफिक एनाल्जेसिक होती है ना वो ओपाइड एनाल्जेसिक होती है, वो सिर्फ और सिर्फ एनाल्जेसिक का काम करती है। तो आमतौर से मोस्ट कॉमनली जो यूज एनाल्जेसिक है स्लाइट एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट के साथ वो एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन अगर इसके साल्ट की बात करें जो कॉमनली जो यूज होता है वो पैरासीटामोल है ना, टीसीएम पैरासीटामोल। एनसेड्स में नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, अब इसमें जो है मोस्ट कॉमनली एसिक्लोफिनेक, डाइक्लोफिनेक एंड आइबुप्रोफेन। ये क्या है? ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स है। थर्ड जो है ओपाइड एनाल्जेसिक्स है। ओपाइड एनाल्जेसिक्स इसमें सबसे कॉमनली जो यूज ओपाइड है वो ट्रामाडोल है ना, ट्रामाडोल। तो कभी कभी ये होता है कि सिंगल एक कोई चाहे एनसेड या एसिटामिनोफेन या ओपाइड एनाल्जेसिक इसको भी यूज करा दिया जाता है, या कभी कभी ये भी होता है कि अगर सीवियर केस है और स्टार्टिंग का फेज यानी एकदम एक्यूट फेज है तो वहां पे कॉम्बिनेशन में भी यूज कराई जाती है। कॉम्बिनेशन में यानी वहां पे पैरासिटामोल भी होगी, एसिक्लोफिनेक भी होगी और ट्रामाडोल भी हो सकती है। ये तीनों के तीनों कॉम्बिनेशन भी यूज कर। वैसे यूजुअली जब अगर डिजीज एक बार सेट हो गई तो आमतौर से ना कंट्रोल्ड रिलीज एसिक्लोफिनेक के साल्ट आते हैं, जो कंट्रोल्ड रिलीज होते हैं नाइट टाइम में दे दीजिए, वो धीरे धीरे रिलीज होते रहते हैं। उनका इफेक्ट जो मॉर्निंग स्टिफनेस वाला जो इफेक्ट होता है उस पर खास तौर से जो है वो काम करते हैं। एनाल्जेसिक्स हो गई। अब आइए जो मेन डीएमआरडीज, डीएमआरडीज यानी डिजीज मोडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। इनका काम क्या? अब नाम में ही जाहिर है कि ये सिर्फ डिजीज मोडिफाइंग है, ये क्योर नहीं करेंगी, सिर्फ डिजीज को क्या करेंगी, उनका जो प्रोसेस है उसको स्लो करती है ना, ये ज्वाइंट डैमेज को रिड्यूस करती है। ज्वाइंट डैमेज को यानी जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है ज्वाइंट्स को उनको ये कम करती है। अब इसमें जो इनिशियली जो पहले यूज होती थी खास तौर से उन्हीं के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा बायोलॉजिकल डीएमआरडीज भी आई हैं, उनका उनके बारे में नहीं उतना बात करेंगे। यहाँ पे तीन ड्रग्स जो हैं वो मोस्ट कॉमनली जो यूज होती हैं डीएमआरडीज में, कॉमन जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज होती है। सबसे पहले तो याद रखिएगा मेथोट्रेक्सेट का नाम। मेथोट्रेक्सेट, अब मेथोट्रेक्सेट क्या है? ये ड्रग ऑफ चॉइस है, इसकी रूमेटाइड आर्थराइटिस की ड्रग ऑफ चॉइस है। लेकिन इसका जो बहुत ज्यादा ड्रॉबैक है, एक तो ये हाईली टेरेटोजेनिक है, यानी फीटस पे इसका इफेक्ट बहुत खराब है ना, फीटस एनामली जो है ये कर सकती है या इवन एबॉर्शन भी काज करा सकती है। तो हाईली टेरेटोजेनिक ड्रग है ये मेथोट्रेक्सेट, जबकि ये ड्रग ऑफ चॉइस है रूमेटाइड आर्थराइटिस। सेकेंड चीज क्या, ये फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट है। फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट, तो ऑलवेज रिमेम्बर जब भी अगर कभी किसी पेशेंट को मेथोट्रेक्सेट यूज करना तो दो तीन चीजें जरूर हम देखें। पहली चीज की वो एनेमिक नहीं होनी चाहिए, वो एनेमिक नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज अगर यंगर एज ग्रुप या मैरिड है तो आप उसे एक बार जरूर कंसल्ट कर लेंगे कि
अगर वो प्रेग्नेंट है तो बिल्कुल भी नहीं यूज करनी है। दूसरी चीज उसे पूछना है कि इन नियर फ्यूचर आप अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो उसके इसके बारे में जरूर पूछना। अगर वो प्लान कर रही है प्रेगनेंसी को तो मेथोट्रेक्सेट कभी भी यूज नहीं करेंगे। हाँ, प्रेगनेंसी को प्लान नहीं कर रही है और एनीमिक भी नहीं है तब मेथोट्रेक्सेट जो है वो यूज की जाएगी। और मेथोट्रेक्सेट की डोज क्या है? 7.5 to 25 मिलीग्राम। वंस ए वीक इसको देते हैं, ठीक। 7.5 to 25 मिलीग्राम तक की इसकी डोज है, वंस ए वीक इसको देते हैं मेथोट्रेक्सेट। अब जो सेकेंड ड्रग इसमें आती है वो है सल्फासेलाजीन, सबसे सेफेस्ट ड्रग है। अब जो हमने इसके कंट्रा इंडिकेशन बताए डीएमआर मेथोट्रेक्सेट के, अब मान लीजिए कोई इस तरीके का पेशेंट मिला तो उसमें सल्फासेलेजिन सबसे सेफ ड्रग होती है, इसको यूज करते हैं। तो सल्फासेलेजिन जो है इसकी जो डोज है 1 ग्राम वीकली, सॉरी 1 ग्राम डेली। हाँ, जब भी मेथोट्रेक्सेट आप यूज करेंगे इसमें फोलिक एसिड सप्लीमेंट जरूर देना है। और थर्ड जो ड्रग है ये भी यूज होती है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, HCQ जिसको हम कहते हैं, HCQ। इसकी जो डेली डोज है वो 200 to 400 मिलीग्राम, ठीक है, HCQ। तो ये तीन ड्रग्स हैं जो DMRD में मोस्ट कॉमनली यूज होती है। मेथोट्रेक्सेट ड्रग ऑफ चॉइस है, सल्फासेलेजीन है और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है। इनिशियली जो है सबसे लोवेस्ट डोज से मेथोट्रेक्सेट यूज करते हैं 7.5 से, अगर उसके बाद भी हमें बढ़ाना है तो स्मॉल डोज इसका हाफ करके, यानी 7.5 है तो अब इसको 10 में करेंगे, 10 मिलीग्राम, या फिर 12 मिलीग्राम के, 12.5 की आती है, उसके बाद 15 की आती है। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके इसको इंक्रीज करते हैं। और एनीमिक पेशेंट में प्रेग्नेंट लेडी है या कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो उसको कभी भी मेथोट्रेक्सेट नहीं देंगे। और जब भी मेथोट्रेक्सेट देंगे फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन जरूर देते हैं। तो मिनिमम जो है 5 मिलीग्राम की फुलवाइट आती है, टेबलेट फुलवाइट वो देते हैं। यूजुअली ये कहा गया है कि अप टू 2 मिलीग्राम डेली का सप्लीमेंटेशन होना चाहिए अलॉन्ग विथ मेथोट्रेक्सेट, ठीक। अब जो थर्ड ड्रग है वो है स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स। अब ये स्टेरॉइड किस लिए यूज की जाएगी? फॉर सप्रेशन ऑफ इंफ्लामेटरी प्रोसेस। इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को कम करने के लिए, सप्रेस करने के लिए ये जो स्टेरॉइड यूज की जाती है, मोस्ट कॉमनली जो स्टेरॉइड यूज होती है वो प्रेडनिसोलोन है। और ये कहा जाता है कि इनिशियल स्टेज में जब डिजीज सेट हो रही है या डायग्नोसिस बनी है उस वक्त जो है स्टेरॉइड को यूज करना जरूरी हो जाता है, स्टेरॉइड को यूज करना, ताकि जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है उसको सप्रेस किया जाए। और जब भी याद रखिए स्टेरॉइड जब शुरू करते हैं तो लोवेस्ट पॉसिबल डोज जो होती है उसी से स्टार्ट करते हैं। तो इस केस में जो प्रेडनिसोलोन को हमें यूज करना है तो 7.5 मिलीग्राम या उससे कम की ही डोज में, डेली की डोज में हम इसको यूज कराते हैं। 7.5 मिलीग्राम डेली की डोज है या उससे कम की डोज में हम प्रेडनिसोलोन को यूज कराते हैं। अब इसका जो लोवेस्ट डोज में इस्तेमाल करने का एक फायदा ये है कि इसको जो है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर हाई डोज में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हाई डोज की भी कभी कभी जरूरत पड़ती है, हाई डोज की भी, लाइक अगर मान लीजिए फेल्टी सिंड्रोम है या जोग्रेन सिंड्रोम है, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में जो है हाई डोज में भी प्रेडनिसोलोन को यूज कराया जाता है। तो जब भी हाई डोज में यूज कराते हैं तो जो पीरियड ऑफ टाइम है वो कम पीरियड ऑफ टाइम, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हाई डोज में आप इस्तेमाल करा सकते हैं, ठीक। एक चीज ये हो गई। और एक खास बात यह है कि स्टेरॉइड को कभी भी सडन विड्रॉल नहीं करते, इसको टैपर करके, पहले डेली आप इस्तेमाल करा रहे थे उसके बाद अल्टरनेट डे पे कराइए, फिर बाई वीकली कराइए, वंस वीकली कराइए, फिर वंस इन फोर्टनाइटली, इस तरीके से।